ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के अंदर दो स्लाइड स्लाइडर में दो इमेजेस हमें डालना है। तो हमारे पास दो इमेजेस हैं और उस दो इमेजेस को हम क्या करते हैं, स्लाइडर के अंदर डालते हैं। आई थिंक ये बाहर या अंदर, एक के ये है, ठीक है, एक इमेज, दूसरा इमेज हमारा ये है, दोनों को हम स्लाइडर में डालना चाहते हैं। ओके, तो मैं इसका रीनेम करके स्लाइडर वन कर देता हूं, और इसका जो है रीनेम करके स्लाइडर टू डाल देते हैं। गॉट इट? अब हम चलते हैं बूट स्ट्रैप पे, गेट बूट स्ट्रैप, गेट बूट स्ट्रैप। यहाँ क्या है, डॉक्यूमेंट पे गया, स्लाइडर को यहाँ पे जो नाम देते हैं कोरेजल, कैरोजल जो है आपका स्लाइडर के लिए। तो आप स्लाइडर कौन सा चाहते हैं, यहाँ पे देखिए ये इस टाइप का चाहते हैं स्लाइडर। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो मूव आउट होगा, या इस तरह का चाहते हैं, या सर ऑन ये इस टाइप का चाहिए, तो मेरे चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में ये टैग, इसमें ये फायदा है कि आप नीचे में कंटेंट भी लिख सकते हैं और इसका कुछ ये भी कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? यस सर गॉट इट? तो मैं यहां से कॉपी करूंगा, कोड पे जाऊंगा, कोड पे हमारा नेविगेशन बार यहाँ कंप्लीटेड है, और ये ऐसा कैसे हो गया, ये एक मिनट, ये नेविगेशन बार, ये क्या है फिर? ओके, ये पूरा का पूरा जो है ना इसी के अंदर है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कट करके इसके नीचे लिख रहा हूं। अब हमें चाहिए ये, अब पहला चीज हमें देखना है कि ये पूरे विड्थ में चाहिए आपको, फुल विड्थ या थोड़ा अंदर चाहिए, ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लाइडर लिखो, स्लाइडर स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट कोड, सॉरी, स्टार्ट कोड, और यहां पे मैं इसे और यहां पे स्पेस देकर यहां पे कोड हो। तो मैं एक बार दोबारा इसे कॉपी कर रहा हूं, इसके बीच में हम स्लाइडर के लिए जब भी देना चाह रहे हैं तो आपको डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा डिव डॉट स्लाइडर यहाँ पे कंटेनर कंटेनर फ्लूड, कंटेनर फ्लूड के अंदर हमने रखा है इसे। आपको पता है ये हम जो कोड लिखते हैं
कंटेनर फ्लूड एंड कंटेनर्स में आपको पता है मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ। अभी एक छोटा सा इमेज यहाँ पे बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे स्लाइडर्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज जो है हमें चाहिए, तो ये है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डॉट इमेजेस फोल्डर और इसमें स्लाइडर वन जो है इसे सिलेक्ट किया। उसी तरह से यहाँ पे जाएंगे डॉट स्लैश इमेजेस और इसके अंदर स्लाइडर टू सेव करेंगे। अब मैं रीलोड करता हूँ इसे, ये देखिए। रीलोड किया, ये इमेज आ रहा है। बताइए, दो इमेज है, इसके अंदर तीन कोड है, एक और कोड है, तो मुझे इसके लिए यहाँ पे ये जो कोड है इसे मुझे अभी फिलहाल जब तक इमेज नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, इज इट क्लियर? ओके सर, एक सेकेंड। मैंने सेव कर दिया, एक काम और करना होगा यहाँ पे, बटन बटन। ओके, नॉट इश्यू। अब मैं सेव किया, एक बार रिलोड करता हूँ दोबारा। फर्स्ट सेकेंड, ओके, इज इट क्लियर? यस सर। इसमें आप अब इस पे टेक्स्ट आपको ऐड करना बताया हूँ। डू यू हैव एनी कंटेंट मिस्टर पुरुषोत्तम? सर मैंने लिया तो था फोटोग्राफ सारा। फोटोग्राफ्स एंड कंटेंट, व्हाट डू यू वांट टू डिस्प्ले इन दिस, इस इमेज पे क्या आप, कौन सा कंटेंट आप चाहते हैं, क्या कंटेंट चाहते हैं आप डिस्प्ले करना, तो ये कंटेंट आपको लिखना होगा। ठीक है, ओके। इंडियन प्योर इंडियन और क्या सर, क्या क्या बोलिए? हाँ, आप इंडियन दो इंडियन प्योर जैगरी, फर्स्ट पे, इंडियन फर्स्ट प्योर जैगरी। पे, अच्छा फर्स्ट वाला तो जैगरी है, तो जैगरी लिख दीजिए, और उसके तो बाद नीचे जो होता है जैगरी के बारे में कुछ वो लिख देंगे जैगरी आप। था, बोल JAGGERY ना, जैगरी। यस ओके, और उसके भी इसके बारे में क्या चीज है? दिस इज प्योर जैगरी एंड मेड फ्रॉम शुगर फ्रॉम शुगर के। इट्स उसमें उसके बाद इट्स ओरिजिन इन इंडिया यस सर, शुगर इट्स कैन इट्स ओरिजिन इन इंडिया। ओरिजिन मीन्स मतलब उत्पाद का ओरिजिनलिटी इसकी कहाँ की है, तो इंडिया की है। इंडिया की है, मेड आप फॉर दूसरे वे में लिख सकते हैं मेड फॉर इंडिया, ये, ठीक है, तो मेड बाय इंडिया। हाँ, इट इज मेड फ्रॉम शुगर केन, इंडियन शुगर केन, लिख दो। हाँ नहीं, ओरिजिन लिख देंगे ना, ORIGIN, तो ये इससे समझ में आता है कि ये
इस जगह का है? इट्स ओरिजिन, इट इज ओ आर ओरिजिन आई जी ओरिजिन फ्रॉम इंडिया. इंडिया. यस सर. यस सर. ओके okay. ओके ओके. एक चीज कमी है, ये जो ये तो घी टेक्स्ट है. है, टेक्स्ट आपका व्हाइट है, बैकग्राउंड भी व्हाइट है ना? तो सर, यस सर, टेक्स्ट को कर दे देंगे. यस सर, ब्लैक. रीलोड करता है। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया है आई थिंक। एक मिनट, सर, ब्लैक. सर, वो रेड डॉट क्यों आ जा रहा है? अच्छा सही है। ब्लैक. सर, कॉपी किया, सेव करो, अब रीलोड करता हूँ। ओहो, दिस इज बैड, कुछ कोड कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ये पी है, ओहो रीलोड कर। अब आ जाएगा क्लियर? सर. यस सर. इसी तरह से सेकंड वाले में क्या लिखना है? ये तो घी है. घी है, देसी घी या सिर्फ घी लिखना है? पुरुषोत्तम भैया, देसी घी. देसी घी देसी घी लिखना है वो सर. है ना वो। हाँ, DSI. हाँ, ये देसी है. ठीक है, यहाँ कंटेंट बताइए। अच्छा कंटेंट भाई, इट इज देखिए. मेड चल चलिए, मेड बाय फोर करके तुम्हारे को इंडियन देसी ना. योर नहीं, इंडियन मिल्क, प्योर इंडियन मिल्क। इट इज अ मेड बाय प्योर इंडियन मिल्क, प्योर इंडियन काउ मिल्क, नॉट मिल्क. ओके इंडियन आई प्योर, थिंक टेक्स्ट शुड बी मोर देन सम मोर देन इंक्रीज फॉन्ट लिटिल बिट. ओके नॉट श्योर। इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा क्या? ओके okay.
हो चुके हैं। पॉलिसी ठीक है। कवर कॉप डू यू वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज? इसे क्या करें, चावल मत खा, हो सकता है उसे से पेट में बी चले हो गए पार्ट में। अच्छा चावल नहीं खाना साइज चाहिए, अभी का इधर फेंक दी, एक गंदी दूसरी। ओके चेक। इज इट करेक्ट साइज? यस यस यस, बट बट थोड़ा देसी सा देसी बड़ा। घी इज स्मॉलर। इट इज मेड बाय प्योर इंडियन काउ मिल्क। देसी घी इज अ स्मॉलर। आई विल यस, इंक्रीज। ये जो आपने लिखा इट इज मेड बाय प्योर इंडियन काउ मिल्क, इसको ने स्मॉल ही रहने दीजिए। मतलब जो देसी घी लिखा है आपने उसको थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। सुनो, मैं क्यों मना करूँ, 30 पिक्सल को सर नीचे वाले को, नीचे गरीब वाले को थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, 20 कर दीजिए गरीबी इसलिए उसको। समझ जिंदगी नहीं खिला। ओके ये 20। यस सर, 25 रहने दो। ओके ओके नॉट एन इशू सर, चेक करके देखिए लुक वाइज कैसा दिख रहा है, एक बार चेक फिर करके पता देख लगेगा, लीजिए। यस फिर पता लगेगा। इज इट करेक्ट? हाँ ये ठीक लग रहा है। ये भी सही लग रहा है। ओके नाउ यस सर, इट इज कंप्लीटेड। यस सर, कुछ फीचर्स आप डालना चाहते हैं? वे हाँ स्पेशल प्रोडक्ट फीचर्स में जैसे कोई ऐसा चीज है? जैसे प्रोडक्ट का इसमें ऑल प्रोडक्ट में सभी ये दिखाई मैं देंगे एक चीज बता दो, अगर इसका कुछ भी करके, कुछ आपका बैकग्राउंड में कुछ ऐसा करके, कुछ भी इस इमेज को चेंज करना होगा, नहीं तो कॉपीराइट बन सकता है। यू नो दैट? आई अंडरस्टैंड सर। तो इस सेम साइज का आपको इसका ध्यान देना है। ओके अब आई विल क्या? चेंज बाय फोटोशॉप सर। ओके नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू गिव द सम फीचर्स, आई थिंक इट विल बी द ग्रेट फॉर यू। तो इफ यू जस्ट लाइक आई थिंक आई विल शो इन द एग्जाम्पल। बाय गिविंग द फीचर्स जस्ट लाइक यू कैन सी हेयर, यू कैन गिव दिस टाइप ऑफ फीचर्स जस्ट दिस वे। यू नो दैट? यस यस सर, यू कैन गिव ये दैट। सही लगा। यस सर, ये सही लगा। कुछ आइकन्स यहाँ पे डालिए, उसका कंटेंट यस सर, डालिए, एक हेडिंग डालिए, और फिर कंटेंट डालिए, फिर ब्रीफ बटन। ब्रीफ, थोड़ा सा ब्रीफ। हाँ तो डू यू हैव
और नीचे जो बटन है, वहां पे होगा कि फोर थोड़ा सा जूम, मोर, थोड़ा फोर मोर सा और डिजिट। बोलिए, बटन थोड़ा पे सा लिखा बड़ा हो जाएगा गया, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए ना, ये पूरा बड़ा हो गया, जूम हो गया ना पूरा। मैं उसे नहीं, ये तो ओरिजिनल साइज ही है। ये कौन सी ओ भाषा है सर? उर्दू? हाँ ये ये उर्दू उर्दू है तुम भैया? नहीं लग रहा ये। अरबिक है? उर्दू सर, ये उर्दू नहीं है? नहीं, अरबी है, अरबिक है। उर्दू पहचान में आ उर्दू जाती है। में जो ना, यहाँ पे नीचे जो ना कुछ लगा होता जबर जेर, नुक्ता या कुछ नुक्स ऐसे बोलते हैं जबर उसको। जेर वगैरह होता है। नहीं। ये अरबिक है। ओके, तो आप ओके बताइए। मेरा ये कहना है, ठीक है, कि कुछ फीचर्स आप डाल सकते हैं, ऐसा डाल सकते हैं, या इसके अंदर कुछ इमेज डाल के, और इमेज रहेगी इसके अंदर, हाँ इमेज डाल के फीचर्स एंड बटन, ठीक है, बाय का इसमें बटन डाल इमेज दीजिए। भी सर, ये इसमें ब्लैक वाले में इमेज रहेगी, उसके बाद नीचे नेम रहेगा, उसके बाद उसका फीचर्स। फीचर आने यहाँ पे बाय, ठीक है, यस सर, वहां पे इस बाय। तरह का, गॉट इट, यस पर वहां पे गॉट, बाय नहीं देना है, फॉर मोर डिटेल। ओके, नॉट इश्यू, मतलब फॉर वही मोर है डिटेल्स, सर। ओके, यहाँ पे फॉर मोर डिटेल्स डाल के आप नेक्स्ट पेज पे चले जाना, जहाँ पे और भी कंटेंट हो। ओके यस सर। ओके, इट्स ओके। तो डू यू हैव दिस इमेज, दिस यू वांट टू फिट इन दिस, यू हैव इमेज एंड आपने कंटेंट? सर ऑलरेडी भेज चुके हैं ना इसमें क्या? है कोई इमेज? हाँ, ये डालना, जैगरी का डाल दीजिए ऊपर, जैगरी का, फिर जैगरी राइस का, का। राइस की कैटेगरी हो गई, जैगरी की कैटेगरी हो गई। हाँ ये वाला ये वन, ये वाला जो है आप दे दीजिए केवल ओनली जैगरी। ऊपर वाला जो है डेट जैगरी, और बगल वाला जो है ठीक नहीं, मैं तीन चीज अभी डालना चाह रहा हूं। एक ये डाल दो, अभी तीन चीज डालना है मुझे, तो है। एक वो उसके बगल में फीचर जो वन कर नॉन रहा हूं, बासमती, ये राइस वाला, ये हाँ सॉरी, फीचर टू, तीसरा क्या बोला बोला आपने? ये वीट वाला जो आटा वाला है ना, गेहूं आटा जो है। ये हाँ, सबका ये सेम तीसरा फीचर ही हो जाएगा। थ्री, ओके। नाउ ओके वी विल तो अब हम करते हैं क्या, इसके लिए कोड लिखना शुरू करते हैं। तो हमें जाना होगा कहाँ, यहाँ तक कंप्लीट, स्टार्ट। यहाँ पे चलते हैं और इसके अंदर लिखते हैं हम कोड फीचर, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल फीचर स्टार्ट कोड, ऐसे कमेंट किया इसके नीचे एंड कोड। और प्रॉपरली समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब मैं इसके अंदर एक क्लास बनाता हूँ, और हमें चाहिए 12 में से तीन चाहिए, 1 2 3, तो इट मीन्स 3 3 3, वॉट इट? यस सर। MD 3, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक कोई डाउट्स?
तीनों में मैं सेम यूं है, डैश थ्री, 1 2 3 होगा ना? नहीं, 1 2 3 नहीं होगा, 3 3 3 होगा। अच्छा ठीक, क्लियर? यस जी सर। ठीक। ओके, अब हमें क्या डालना है आपको मैं बताना चाह रहा हूं। हमें डालना है एक इमेज डालना है, इमेज के नीचे हमें कंटेंट डालना है, और कंटेंट के नीचे हमें क्या डालना है, मोड पैराग्राफ डालना है। ओके, थ्री, यहां तक अब हमें जानना हो तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि यहां पे मल्टीपल कर्सर का यूज करूं। ये दिक्कत है, ठीक है। एम जी सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, नॉट इश्यू। ओके, पीछे 1, पीछे चो, ठीक है। पिक्चर ये इमेज है, आपको पता है इमेज जो होते हैं वो मैं शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट कर रहा हूं। कंट्रोल एक्स कर रहा हूं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे, मुझे चाहिए कैसा, जो सर्कल में चाहिए, मुझे चाहिए सर्कल। तो 1 मिनट, एक हमें डिप चाहिए और उसको मुझे सर्कल में बनाना होगा। ओके, तो डिप डॉट डिव डॉट पीछे फीचर आई एम जी। ओके, और इसके अंदर मैं लिखूंगा, सर, डिप तो थोड़ा बाहर निकल गया इधर। कोई बात नहीं, वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, हमें दो क्लास लेने की जरूरत हो सकती है यहाँ पे। IMG फीचर IMG1 कर दो। हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि यहाँ डिफरेंट होगा ना, वो पे MD 2 3 था ना वो। ये 2 कर दो यहाँ पे, ये ठीक है।
डन, थ्री कर दो। अब हमें इमेज यहाँ पे चाहिए, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3। डॉट स्लैश इमेज। कटेगा ये इंटरनेट, मतलब क्लास 42 हो गया, ओके ओके 8:42। कम से कम ये डिस्प्ले कर देता हूँ, कल मैं दिखा ओके हाँ। दो, कम से कम इमेज डाल अच्छा दो। फिर अभी जो आपने डिव लिखा है कहाँ गया? ये इमेजेस है अरे बाप रे, ये तो बड़ा भयानक आ गया। नॉट इशू। हमारे पास ये एक मंत्र है यहाँ पे जो है फीचर साइज देना पड़ेगा। वेल इमेज के। ओके, स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे और कॉल करके डॉट इसे फिशिंग इसकी साइज देंगे। वेट चाहिए हमें, वेट कितना चाहिए, 250। हाइट चाहिए 200। 250 पिक्सल। हाइट ये छोटा हो जाएगा, फिर भी मैं ले रहा हूँ अभी चेक करने के लिए। ये देखिए, ये काम नहीं किया क्यों? पीछे इमेज हमने, पीछे विड्थ के बाद स्पेस नहीं था। इमेज, पीछे इमेज, ठीक है, पीछे इमेज। ओके, ऊपर वाले पर थोड़ा स्पेस रह गया है, शायद यही वजह तो नहीं है। ठीक है, ओके, नॉट इश्यू। इसका जो है क्लास दिया है हमने, और यहाँ पे एक आईडी दे रहा हूँ, आईडी 1, आईडी